फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड। इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। सो यस, थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इस ब्लॉग में क्या कवर करने वाले। सो आज ही हम लोग आए आज स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर करने के लिए। दिस इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, आई कैन से 597 feet। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट हाँ, नॉट इंडिया, दिस इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। एंड हमने हमारी बुकिंग कहाँ से की, क्या टाइप ऑफ स्टे हमने बुक किया, ये सब कुछ आपको यहाँ इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। हमने बोरेवली से रात को 12:10 की कुछ एकता नगर सुपर फास्ट ट्रेन है जो एकता नगर स्टेशन पर छोड़ती है सुबह में 7 बजे। एंड ये मुझे लगता है कि एक ही ट्रेन है जो बॉम्बे से एकता नगर स्टेशन यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आती है, एक ही ट्रेन यहाँ से जाती हुई है मुंबई के लिए। वो सारी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। प्राइसिंग एंड हमारा स्टे ना थोड़ा सा लग्जरी है, मतलब थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली स्टैचू ऑफ यूनिटी का लग्जरियस स्टे है। तो आप लोगों को इस व्लॉग पे ज्यादा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इनफैक्ट। एंड अगर आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए प्लान कर रहे हो, यहाँ पे आगे क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको इस व्लॉग पे देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग पर एंड तक। हम लोग अभी एकता नगर स्टेशन पे, मैंने आप लोगों को बताया, और स्टेशन आप देख सकते हो मतलब कितना क्लीन है। नीचे टाइल्स देखो, मतलब लिटरली जो चल रहे हम लोगों को उसका रिफ्लेक्शन पता चल रहा है एंड टोटली क्लीन है। एंड एक चीज़ बताना भूल गए, हमारा पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज है, तो अभी स्टेशन के बाहर हमारी बस भी रुकी हुई है, तो हम लोग फिलहाल बस की तरफ जा रहे हैं। एंड स्टेशन से तो आई एम काफ़ी इम्प्रेस। एंड मैं ये सेकेंड टाइम आई हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दूसरी बार आए, फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ आए थे। एंड इस बार हम लोग ब्लॉग कवर करने के लिए, मतलब कवर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए आए, तो कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे जो हमने पहले नहीं देखी थी, तो बने रहिए मेरे साथ। सो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं एंड बस भी आप देख सकते हो फुली एयर कंडीशन, नीट एंड क्लीन। ये टेंट सिटी 1 हम लोग ने बुक किया, मैं आपको धीरे धीरे डिटेल्स बताऊंगी, बट यहाँ पे बहुत काइंड ऑफ स्टे है, बजटेड स्टे भी मिलेंगे आपको। हमने टेंट सिटी 1 से किया एंड वहाँ से हमारी ये बस आई है एंड आज शायद हम पूरा दिन इस बस में ही घूमने वाले। बने रहिए मेरे साथ एंड तक, आपको बहुत मजा आने वाला है फॉर श्योर अगर पूरा देखोगे तो। सो हमारी बस ने हमें छोड़ दिया है, छोड़कर वो जा रही है। एंड जैसे मैंने बताया, हमने टेंट सिटी 1 में स्टे लिया है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लैरिटी, आई मीन धूप बहुत है, मुझे कम दिखाई दे रहा है। एंड ये एंट्री है इन लोगों का एंड सामने इंडोर गेम्स वाली स्पेस है, मुझे पता है क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पर। एंड उस बाजू में सामने वाला डाइनिंग एरिया है इन लोगों का। एंड ये आप लोगों को शॉर्ट में से प्रॉपर्टी टूर बता देती हूँ, फुल ऑफ ग्रीनरी। हमारे रूम में हम जाएंगे, अभी हमारा चेक इन टाइम नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ देयर वेटिंग एरिया रिसेप्शन, वो भी एक वन काइंड ऑफ लग्जरी रिसेप्शन है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा वेटिंग स्पेस है अंटिल एंड अनलेस आवर रूम्स आर चेकड आउट एंड हम लोग हमारे रूम में चेक इन करेंगे। चलिए अब थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ फिर से। सो आई एम ऑल सेट फॉर माई डे 1 आइटनरी। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बस ने हमें पिकअप कर लिया, ड्रॉप भी दे दिया। एंड अभी मैं आप लोगों को अपना यू नो लग्जरियस प्रॉपर्टी का लग्जरी रूम टूर देने वाली हूँ। एंड जैसे मैंने बताया, स्टैचू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी 1 ऑफ द मोस्ट नहीं बोलूंगी, इट इज द मोस्ट टॉप लग्जरी प्रीमियम प्रॉपर्टी टू स्टे वेन एवर यू कम। यहाँ पे जब भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आते हो तो ये मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी है। इनके और भी प्रॉपर्टी है बट टेंट सिटी 1 इज द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी। आपको बाहर से ही देख के ऐसे लग रहा होगा, यू नो आप यहाँ पर देखो, फिर वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह देखो, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज है, सारे कुछ आपको लोगों को देखने मिलेंगे। बट पहले मैं अपना यू नो प्यारा सा रूम का आपको रूम टूर देती हूँ। सो ये मेरा रूम नंबर है A06। पहले आप एट अ ग्लांस मेरा रूम पहले देख लीजिए, कितना प्रीमियम, क्लीन, नीट, हाइजीनिक एंड लग्जरी बोल सकती हूँ उसको। बेड का सेटअप देखिए, मतलब ये ऊन के साथ पिलो कवर को भी
ये ऊनी वाला मतलब लुक दिया हुआ है। एंड अभी स्टार्टिंग से अपना रूम टूर के बारे में, मतलब रूम में क्या क्या चीजें वो आप लोगों को बताऊंगी। मतलब मैं सेंटर ऑफ द रूम खड़ी हूँ, आप लोग ने एक ग्लांस में तो देख ही लिया होगा। सो लेफ्ट साइड में अगर मैं आती हूँ तो लेफ्ट साइड में आपको चाय कॉफी वाली कटलरी मिल जाएगी, आरओ का भी पानी मिलेगा, प्लस बिस्लेरी वाला जो पानी है फिल्टर्ड वाटर वो भी मिलेगा, रिफिल करके आपको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय कॉफी के सैशे दिए हुए हैं, एंड ये भी कोई यू नो ब्रांड के अलग अलग टी ब्लैक कॉफी वगैरह दिया हुआ है, गर्म पानी करने के लिए केटली दिया हुआ है, कटलरी दी हुई है। यहाँ पे आपको साइड में लगेज के लिए, मेरा लगेज प्लीज इग्नोर कर देना, मैं फ्रेश हो गई हूँ तो। एंड यहाँ पे ना एक छोटा फ्रिज भी है, क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्टोर करना है तो फ्रिज भी आप लोग यूज कर सकते हो, पानी ठंडा करना है तो आराम से यूज कर सकते हो। लेफ्ट साइड हुआ, आप राइट साइड में अगर आप आते हो ना तो ये एकदम यू नो नवाबी स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई है, दो चेयर दिए हैं, यहाँ पे बैठो आप लोग, चाय कॉफी चुस्कियाँ लो, चाहे तो पर्दे वगैरह खोल के एंजॉय कर सकते हो। देन यहाँ पे टेलकॉम दिया हुआ है, प्लस इनकी यू नो रिसेप्शन पे कॉल करना है, हेल्प डेस्क पे कॉल करना है तो क्या नंबर पे कॉल करना है। एंड ये लैम्प भी आप देख सकते हो, मतलब कितना यू नो हेरिटेज लुक दे रहा है वो लैम्प को एकदम, मतलब रूम इसके वजह से भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बेड तो आपने देखा ही, मतलब लग्जरी किंग साइज बेड है हमारी, हम लोग आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। एंड एकदम मतलब आप देखो, सिर्फ देख के कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड ये साइड में भी वैसा लैम्प दिया है, एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज वगैरह के लिए आपको जगह तो है, मतलब यहाँ पे भी ड्रॉर्स वगैरह अगर आप खोल के कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी ये भी मतलब एक अट्रैक्शन ऑफ रूम है, एंड दिस इज यू नो मेड बाय वन वुमेन स्टार्ट टू एंड, मतलब वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर चेक कर सकते हो, उसमें कुछ डिटेल्स दी हुई है, एक ही वुमेन ने ये सारा कुछ बनाया है। यहाँ पे एसी दी हुई है, टीवी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आके रूम में नहीं रहोगे, आप लोगों की आइटनरी पूरा दिन बाहर घूमने की, तो टीवी इज नॉट देयर। फिर जैसे ही आप अंदर आते हो तो ये आपका यू नो चेंजिंग रूम, बाथरूम स्पेस बोल सकते हो, यहाँ पे भी आपको सेफ दिया हुआ है, कुछ आपका इंपॉर्टेंट सामान है आप लोगों को रखना है तो यहाँ पर रख सकते हो आप लोग। एंड दिस इज योर मिरर, जहाँ पे आप लोग आराम से रेडी हो सकते हो। अभी मैं आप लोगों को अपना बाथरूम बताती हूँ। सो बाथरूम भी एकदम लग्जरी है, सारे जो सामान वगैरह यू नो डेंटल किट्स एंड एवरीथिंग, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, शावर कैप, वैनिटी किट, कोम, शेविंग किट, डेंटल किट, मॉइस्चराइजर, लोशन एंड एवरीथिंग। मतलब इसके अंदर कोलगेट है, और कोई ब्रांड नहीं है, कोलगेट है। प्लस यहाँ पे नीचे आपको एक्स्ट्रा टिश्यूज दिया हुआ है, शू पॉलिश दिया हुआ है, एक्स्ट्रा टॉवल्स दिया हुआ है, एंड उसके अलावा साइड में आपको ब्लो ड्रायर वगैरह भी मिल जाएगा, अगर आपको हेयर वॉश करने के बाद ब्लो ड्राई करना है तो। बाकी टॉयलेटरी सब कुछ है, एंड दिस इज देयर शावर एरिया, ऊपर उन्होंने टॉवल्स वगैरह दिए, एक्स्ट्रा टॉवल्स हर जगह पे, सब कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वहाँ पे हैंड वॉश मतलब बॉडी वॉश एंड कंडीशनर है अगर आपको यूज करना है तो, वरना आप अपना पर्सनल भी यूज कर सकते हो। एंड वॉशरूम भी आप देख सकते हो, मतलब क्लीन नीट, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई टेंट में रहते हो, मतलब ये प्रॉपर लग्जरियस रूम है, मतलब एंड लग्जरी बाथरूम भी है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई रूम टूर एज ऑफ नाउ, एंड अभी डे में हमारी क्या क्या आइटनरी है वो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी, मैं अभी एक साथ में सब कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। एंड जैसे मैंने बताया, टेंट सिटी वन टॉप मोस्ट नहीं, वन ऑफ द भी नहीं, मतलब मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी है यहाँ पे, यही है सबसे बेस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी। आप लोग बहुत बार स्टैचू आए होंगे या फिर आने का प्लान कर रहे होंगे, बहुत बजटेड आपको रूम्स भी मिल जाएंगे, बट मैं बोलूंगी कि आप एक ही बार आने वाले हो तो एक बार आने वाले हो ना तो इस लग्जरी प्रॉपर्टी का मजा जरूर उठाइए। बाकी की डिटेल्स आपको धीरे धीरे व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे। सो जो मैं लेक व्यू के बारे में आप लोगों को बात करूँ, एकदम कॉटेज के सामने ये नर्मदा रिवर का व्यू आप लोगों को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे लकीली अभी रूम में कोई नहीं, एंड लास्ट टाइम हमने ना यही रूम लिया था, हम लोग फैमिली के साथ आए थे तो हमने यही रूम लिया था, एंड अभी इसके लिए हम लोग ने लेक व्यू ने गार्डन व्यू लिया, तो अभी फिलहाल इस रूम में कोई नहीं है, एंड ये रूम भी रेडी है, तो मैं आप लोगों को फटाफट इस रूम के बारे में, मतलब यहाँ पे भी आपको सेम फैसिलिटीज़ मिलेगी, यहाँ पे सीटिंग एरिया है, लगेज एरिया है, यहाँ पे चेयर्स वगैरह, फ़ैन, जैसे हमारे रूम में फ़ैन, एसी, कबर्ड नहीं है हमारे रूम में से, बाकी किंग साइज बेड है, सेफ वगैरह भी है, लैम्प है, फिर ये चाय कॉफ़ी पीने के लिए जिस कटलरी एंड टी कॉफ़ी पाउडर है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आराम से है। एंड इसका वॉशरूम भी फटाफट से बता देता हूँ, वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, जैसे हमारा वाला वॉशरूम में वही ही सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, तो ओनली डिफरेंस इज कि ये लेक व्यू है एंड हमारा वाला गार्डन व्यू है, तो प्राइसिंग उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे, यहाँ पे भी सारी टॉयलेटरीज वगैरह मिलेगी। प्लस हमने ये आसान हॉलीडेज के थ्रू बुक किया है, पंकज जी एंड विकी जी के थ्रू, एंड यू नो अगर आप लोग उनके थ्रू बुक करते हो तो दे आर अवेलेबल 24/7, अगर आपको आइटनरी में कोई हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए यहाँ पे गुजरात टूरिज्म, नॉट ओनली स्टैचू ऑफ यूनिटी, रन उत्सव अगर आप जाना है या फिर गुजरात में कोई भी और टूरिज्म है, आप लोग उनके थ्रू बुक कर सकते हो, दे आर वेरी नाइस। एंड हम लोग ने मतलब यहाँ पे आने के पहले जो यहाँ
इसके पहले जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला टूर किया था वो भी उनके थ्रू किया था, रन उत्सव भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो भी उनके ही थ्रू किया था, सो दे आर वेरी नाइस। आई विल रिकमेंड कि आप लोग और कहीं मत जाइए, उनके थ्रू करिए। एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो टेंट सिटी वन ही आप लोग सिलेक्ट करिए ताकि आपको प्रीमियम प्रॉपर्टी में रहने का मजा मिल सके। बाकी हमारी और क्या क्या आइटनरी है, हमारी क्या क्या यू नो आज डे का क्या क्या प्लान है वो आपको धीरे धीरे बताऊंगी, प्लस और इधर की जो जो एमिनिटीज है वो भी सारी आप लोगों को मैं बताऊंगी। सो ये स्विमिंग पूल है, मतलब अभी तो थोड़ी धूप है बट मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हो। एंड बाकी सामने के साइड आप देखोगे तो यू नो लाइन से सारे कॉटेजेस हैं, हम लोग घूम के आए हैं। एंड फिलहाल दो टाइप ऑफ कॉटेजेस है बट उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंशियल, लग्जरी, प्रीमियम, रॉयल, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, वो आप इनका वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो या फिर पंकज जी या विकी जी को कॉल कर आसान हॉलीडेज आप गूगल में डालोगे तो आपको मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट स्टैचू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी वन आप लोगों को ये ध्यान रखना है अगर ऐसे वाले प्रॉपर्टी में आपको स्टे करना है तो। सो फिलहाल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया बट जो एमिनिटीज़ है वो अभी भी आप लोगों को दिखाना बाकी है, जैसे इंडोर गेम्स, जिम, स्पा, जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँ। सो अभी हमारा लंच टाइम हो गया एंड ये इन लोगों का डाइनिंग हॉल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी लग्जरी एंड प्रीमियम है। एंड अभी मैं आपको बहुत सारा एकदम डिटेल में सब कुछ नहीं बताऊंगी क्या क्या खाने में, ऐसे फटाफट से थोड़ा सा अपना यू नो फ़ोन लेकर घुमा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया है कि कितनी सारी क्वान्टिटी एंड कितनी सारी वराइटी है यहाँ पर खाने के लिए, मतलब नॉट जस्ट वन फूड, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर खाने के लिए मिल जाएगा। आई होप कैमरे में सब अच्छे से दिखा हो अभी तक आप लोगों को, फटाफट बहुत सारी वैरायटी है खाने के लिए। मैं तो यहाँ पे एक बार पहले आ चुकी हूँ ऑलरेडी एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए मैं फूड रिव्यू नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को यहाँ पर, आप लोग खुद आइए एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी पराठा आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। सो मेरे खाने की प्लेट आप देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट सारी भाजी ली है, मतलब तीन और भी एक दो भाजी छोड़ दिए क्योंकि मुझे ना ये सारी भाजी अच्छी लगती है, टेंडली, पालक, आलू मेथी एंड आलू की सब्जी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा सब ले लेती हूँ। एंड फूड रिव्यू जैसे मैंने आप लोग को बोला कि इनका फूड बेस्ट होता है, यहाँ पे आपको जैन ऑप्शन भी मिलते हैं, इनफैक्ट सब कुछ जैन ही होता है एक दो सब्जी छोड़ के, नॉन जैन यानी आलू की सब्जी अगर आ गई तो वो नॉन जैन हो जाती है। तो फूड रिव्यू तो नहीं दे रही हूँ। एंड अभी ये लंच के बाद हम लोगों की आइटनरी है जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, लेजर शो, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वहाँ जाके मैं आप लोगों को यू नो उसके बारे में डिटेल चीज़ें बताऊंगी, वॉट एवर पॉसिबल आई ट्राई टू कवर। एंड चलिए अभी फटाफट से लंच करते हैं एंड देन उसके बाद मिलते हैं।